हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ ये सुबह का टाइम है, हमने घर के कुछ काम जो है निपटा लिए हैं और इस वक्त जो है 9 बज रहा है। अनु के पापा स्कूल जा चुके हैं और कल जो है बहुत बारिश हमारे यहाँ हो रही थी, तो कल कपड़े हमने जो धुले थे वो सब सूखे नहीं हैं, तो ये छत पे मैं व्यवस्था बना रही हूँ। बेटे की आज मेरी छुट्टी है तो यहाँ मैं ये रस्सी बांध दूँगी तो यहाँ पे हम कपड़े सुखा सकेंगे। आपने देखा कि मेरा घर जो है चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, तो नीचे धूप नहीं आते हैं, बड़ी समस्या होती है, कोई भी कपड़ा नीचे सूख नहीं पाता है, तो इसे हमें छत पे ही सुखाना होगा। तो ये रात के ही सब भींगे हुए, कल के ही भींगे हुए कपड़े हैं और रात भर जो है हल्की फुल्की बारिश हो ही रही थी, तो अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है तो ये सारे मैं कपड़े जो है डाल दे रही हूँ। सुबह का टाइम है, ये सूख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कल रक्षाबंधन है और आज मुझे बहुत सारे काम जो है निपटा लेने हैं, क्योंकि कल मैं चली जाऊंगी मम्मी के यहाँ, मायके चली जाऊंगी, तो सारे काम जो है ऐसे ही रह जाएंगे सब अस्त व्यस्त, तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर अगर घर छोड़ के एक दिन के लिए कहीं चले जाओ और फिर आओ तो बहुत दिक्कत होती है, सब जैसे लगता है सब अस्त व्यस्त हुआ है, फिर से सबको जो है समेटना पड़ता है। तो ये छत पे मैं कपड़े डाल देने वाली हूँ और अभी नीचे बहुत सारे काम हैं, वो काम भी मुझे करने हैं। लकी है नहीं, लकी हमारी जो है सुबह की कोचिंग गई है लेकिन अभी तक आई नहीं। लकी आ जाती है 9:30 बजे तक, सुबह उसकी 7:30 बजे से कोचिंग होता है और सुबह 9:30 बजे वो आ जाती है। तो देखिए ये कपड़ा नीचे गिर गया था और इसमें मिट्टी लग गई है, पति के कपड़े हैं, दाग लगती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको बढ़िया से धुल के इसको भी हम जो है डाल देते हैं ताकि सारे कपड़े आज ही हम इसको सुखाएंगे और कुछ प्रेस वगैरह भी कर लेंगे, क्योंकि कल तो समय मिलने वाला नहीं है। तो सुबह के सारे काम तो लगभग हो गए हैं, किचन के खाना वगैरह हमने सब बना लिए हैं, बर्तन वगैरह सब अच्छे से सब धुल लिए हैं, अब यही सब बाहर के काम जो है जल्दी जल्दी समेटने हैं। खेतों में तो आज जाना नहीं है क्योंकि खेतों में है हल्की फुल्की पानी, रात भर जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी तो खेतों में पानी है, तो खेतों में जाना नहीं, और ये जब खेतों में नहीं जाना होता है तो घर के ये सारे काम मैं सब समेटती हूँ, क्योंकि जो अस्त व्यस्त हुए रहते हैं उनको सब व्यवस्थित करते हैं, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है। साथ में देखिए बच्चे भी लगे हैं और हमने जो गेहूं सुखाए थे उसको देखिए लाके इसी तरह से रख दिए थे, हमें समय नहीं मिल पाया, तो अब इन सबको हम व्यवस्थित करके रख देंगे क्योंकि मैं जब चली जाऊंगी मम्मी के यहाँ तो ये ऐसे ही रह जाएगा, तो इसमें चूहे और गिलहरियाँ वगैरह आके सब खाएंगे और नुकसान इसको ख़राब कर देंगी, तो इनको आज ही मैं सब व्यवस्थित करके रख देती हूँ। तो ये जो है मक्का है, तो कुछ मक्के के जो है हमने देखिए इनकी पत्तियों को इस तरह से हम लोग गाँच के और इस तरह से इसको बांध के रखते हैं, तो इसमें से कुछ हम रख देंगे बीज के लिए। हमारे बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि जो हमने मक्के लगाए हैं तो इतने सारे मक्के का होगा क्या, तो इसमें कुछ तो हम लोग इसको वो लावा होता है जिसको कि पॉपकॉर्न बोलते हैं वो भुना के खाएंगे, और कुछ का जो है हमारी गाय के लिए पिसवा देते हैं, तो हमारी गाय के लिए ये चारा का काम बहुत बढ़िया करता है, तो इसी वजह से हम लोग बो देते हैं। तो चूँकि जो चीज़ें हम लोग को भी चाहिए, हमारी गाय के लिए भी तो चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्थित हो जाता है। और ये देखिए ये गेहूं धुल के इसको रख दे रहे हैं, तो ये मम्मी के यहाँ से मैं आऊँगी तब इसको जो है बना के सूप से अच्छे से साफ करके और इसको फिर पिसवाएंगे, तो अभी तो 2-3 दिन का आटा है तो आज तो इसको फ़िलहाल अभी रख देंगे। तो ये सब चीज़ों को जो है समेटना होता है अच्छे से, सब व्यवस्थित करके नहीं रखेंगे तो सब चूहे और गिलहरियाँ वगैरह सब ख़राब कर देती हैं। तो ये जो गांव देहात में दोस्तों होते हैं ना, बहुत सारे इसी तरह के काम होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपना जो है डेली रूटीन शेयर करें, तो डेली रूटीन में इतना हमारा काम होता है कि इसको मतलब रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम अपने एक एक पलों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप जान पाएँ कि हाँ यार इतना ही ये सब काम होते हैं हमारे गाँव देहात में। तो जो नीचे गेहूँ गिरा था तो उसको मैं बढ़िया से बना के और उसको सब रख दे रही हूँ। हमारी अन्नू जो है लगी हुई है, वो अपने भाई के लिए राखी बना रही है अपने हाथ से। तो इधर के तो देखिए सारे काम हमने कर दिए हैं और अब चलते हैं घर में भी झाड़ू वगैरह सब अच्छे से लगा देते हैं। तो देखिए ये मेरा कमरा है, लेकिन आज इस कमरे में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि देखिए ये हमने अलमारी बनवाए हैं,
तो इस अलमारी में यार बहुत ज़्यादा जो है दीमक लगे हुए हैं। हमारा ये जो घर है ना बहुत ख़राब है, इसमें सीलन और दीमक दोनों बहुत तंग करते हैं। ये छत जो है पूरी तरह से टपकता है और इस घर में मैं बार बार इसे साफ़ करती हूँ लेकिन दीमक यहाँ बहुत तेज़ी से लगते हैं। पता नहीं ये दीमक कहाँ से आते हैं। हमने इसमें कई बार दवा वगैरह भी डाले, इस घर में दवा और पानी पूरा एकदम भर दिए थे, फिर भी दीमक इसमें के नहीं मरे। बहुत ज़्यादा इधर दीमक है और इस घर में सीलन भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत हम परेशान हो जाते हैं। ये अलमारी हमने बनवाए थे बच्चों के जो सामान वगैरह है सब अच्छे से रखने के लिए, लेकिन जब भी नीचे हम कुछ रखते हैं तो सब दीमक ही खा जाता है। ये अनु जो है, अब लकी और शिवम के बचपन का जो है फ़ोटो है, ये हमने बनवाए थे, तो ये अनु जो है देख रही है। इसमें शिवम है और ये लकी है जब छोटी सी थी बिल्कुल, और उसकी दादी है साथ में। तो इस जो है इस पोस्टर को भी दीमक खा गए हैं। ये देखिए ये दीमक है और भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, दीमक जो है सब जल्दी जल्दी जब मैं इसे साफ़ करने लगी तो सब जल्दी से बिल में अंदर नीचे चले गए हैं। तो दिखा देती हूँ, देखिए ये यही वाले सब दीमक हैं और एकदम से परेशान करके रख दिए हैं, कुछ भी नीचे नहीं रहने देते हैं। देखिए ये सब दीमक ही इसको खा गए हैं, तो इसे मुझे फिर से जो है बनवाना पड़ेगा। तो ये अलमारी हमने बनवाए हैं, तो इस अलमारी में सबके अपने अपने सामान हैं। ये कुछ कपड़े भींगे हुए इसमें हमने रात को टांग दिए थे, तो ये अनु को हम दे दे रहे हैं ताकि अनु जाके इसे छत पे डाल दे, सब सूख जाए। तो ये है लकी की अलमारी, इसमें लकी और अनु के कपड़े हैं। ये है इसमें मेरे कपड़े हैं, साड़ी वगैरह सब इसमें मैं रखती हूँ। और इसमें शिवम, ये साइड वाले में शिवम और उनके पापा के जो है कपड़े सब टंगे हुए हैं। नीचे इसमें कॉपी किताबें हैं, इसमें कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह जो बहुत जल्दी जल्दीबाजी में रहता है तो सब इसमें हम लोग रख के चले जाते हैं। ये लकी के आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है, इसमें लकी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। देखिए ये फूल वगैरह वो बनाई है, तो इसमें वो अपना सब कुछ रखती है। ये देखिए ये जरई है, इसमें अनु रखी है, लकी अनु का जरई बहुत अच्छे से इस बार ग्रो कर रहा है। पिछली बार तो ख़राब हो गया था लेकिन इस बार बहुत अच्छा जो है ग्रो कर रहा है। तो इसमें के मैं सारे जो है देखिए ये मिट्टी दीमक जो है नीचे से निकाल दे रही हैं, और जिसमें कोई भी सामान रहता है तो उसमें दीमक जब लगते हैं तो सबको मिट्टी ही बना देते हैं। तो वो तो घर में से देखिए हम सब झाड़ू वगैरह सब लगा के ले आए हैं। तो आज घर की सारी करेंगे साफ़ सफाई, उसके बाद फिर देखिए नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे, और फिर आज मेहंदी भी लगाना है। तो देखिए ये जो है डब्बा उसी अलमारी के बॉक्स में था और इसमें भी सब दीमक लग गए हैं। इसमें अनु ने कुछ कॉपी किताब रखे हैं, तो यार इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। ये मेरा जो घर है चारों तरफ पेड़ों से घिरा होने के कारण पूरा, तो पहले घर में हमेशा सीलन रहता है और दूसरा बारिश में इसमें छत टपकते हैं तो बहुत असुविधा होती है। हम लोग कोई भी चीज़ जो है अच्छे से रहते नहीं है, सब ख़राब हो जाते हैं कुछ भी हम लोग घर में रखते हैं तो बड़ी समस्या है। देखते हैं इस समस्या से कब निजात मिलती है। तो घर के अंदर की साफ़ सफ़ाई तो हम थोड़ा कर लिए हैं, अब बाहर देखते हैं। ये बाहर जो है यहाँ पर अनु लकी और शिवम के ये सब पुराने जूते हैं, ये बहुत पुराने नहीं हैं, पिछले साल के ही हैं। स्कूल चूँकि बंद हो गया तो स्कूल बंद होने के कारण ये स्कूल पहन के जा नहीं पाए और ये सब छोटे हो गए हैं, और इधर बाहर रखे रहने के कारण बारिश में ख़राब हो गया है। ये उनके पैरों में जा भी नहीं रहा, और इसमें रात को मेढक और कल तो सांप भी एक मोटा सा आया था, तो मैं इसे साफ करके अब ले जा रही हूँ सब उधर। दोस्तों देखिए काम वगैरह तो सब हम करके खाली हो गए हैं, तो अभी को देखिए हमको थोड़ा सांस मिला है। और इस वक्त बज रहे हैं 12 बजने में, 10 मिनट बाकी है, तो बाकी तो घर के जो इतने हमने काम निपटा लिए हैं और अब चल रहे हैं मेहंदी लगाएंगे। कल लकी जो है मेरे हाथों में थोड़ा देखिए मेहंदी लगाई है, इसका कलर देखिए, और लकी को मेरे बड़ा अच्छा मेहंदी लगाने आता है। कल मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कल जैसे ही मेरे हाथों में मेहंदी लगी और थोड़ी देर बाद जो है बारिश होने लगा, फिर जल्दी से हम धो दिए, और फिर जानते ही आप कि हमारे यहाँ कितना काम होता है, तो गाय वगैरह को चारा देना, उनको छांव में करना, दूध निकालना, ये सब जो है कल करना पड़ा, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो आज जो है मैंने जो है एक हाथ में भी मेरा मेहंदी बाकी है, कल रक्षाबंधन है, कल जाना है, तो पक्का आज दोपहर में ये दूसरे हाथ की मेहंदी लगा लेंगे 3 बजे के पहले, क्योंकि 3 बजे के बाद जो है हमारे शाम के काम शुरू हो जाते हैं। तो इधर देखिए हमारी जो अनु है ये क्या कर रही है, अनु हमारी जो है देखिए अपने हाथ से राखी बनाई है, दिखाओ अनु, अनु दिखाओ दिखाओ। तो देखिए ये हमारी जो अनु है, पूरा दिखाओ अच्छे से खोलो, देखो ये कैमरे सामने लाओ, हाँ
तो देखिए ये अनु हमारी जो है अपने हाथ से राखी बनाई है ऊन से, और ये हाथ से इसको बड़ा शौक है ये सब करने का। हालांकि अभी देखिए हमने रक्षाबंधन खरीदे भी नहीं है, तो उसे भी खरीदेंगे तो वो तो काम शाम को ही कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अभी मौसम भी बहुत ख़राब है, देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल जब मैं मायके जाऊंगी राखी बांधने तो रास्ते में से खरीदते हुए लेकर जाऊंगी। तो अभी चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ब्लॉग जो है पसंद आ रहा होगा, और अभी चलते हैं मेहंदी लगाने। लकी हमारी मेहंदी लगाएंगी, और जो आज मेहंदी लगेगा उसे तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। चलो लकी जल्दी करो। तो देखिए लकी आ गई है, और आज हम अपने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाएंगे। हेलो, अब हम चल रहे हैं मम्मी को मेहंदी लगाने, जल्दी निकालूंगी। तो लकी हमको जो है मेहंदी लगाएंगी, और नहीं पहले इसमें आगे का लगा दो, पीछे का कोई पता नहीं है कब बारिश होने लगा, काम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर, तो इधर ना होगा ना उधर होगा। अनु तुम अपना मेहंदी दिखाओ, दिखाओ तुम्हारा मेहंदी लगाए ना, मैं लगाई हूँ, दिखाओ तो साफ साफ दिखाओ, पहले कैमरे के साथ दिखाओ, उतना दूर से दिख रहा है, पास से दिखाओ, दीदी लगाई है, बताइए ये वाला मैंने लगाया है, ये वाला दीदी लगाई है। तो दोस्तों पहले तो मुझे कभी लाइफ में मौका ही नहीं मिलता था मेहंदी लगाने का, मैं कभी भी मेहंदी नहीं लगा पाई अब जो है, लेकिन लकी जब से हो गई है तो कभी कभी मन करता है तो सावन में एक आध बार मेहंदी तो लगा ही लेते हैं, सावन बीतने वाला है तो आज तो मेहंदी लगा रहे हैं। जानते हैं दोस्तों कितना हम लोग को काम होता है खेती बाड़ी और घर का, पहले तो ये लोग इतने छोटे छोटे थे कि मैं तो एकदम से मेहंदी लगाना दूर, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी कि मैं मेहंदी लगाऊँ, मेरे हाथ कभी खाली नहीं हुए, और अब तो भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी मुझे वीडियोज भी बनाने होते हैं, खुद एडिट करना होता है, उसे अपलोड करना होता है, कहने का मतलब कि मेरे हाथ एकदम खाली नहीं रहते। लेकिन ये दो दिन मैंने कितने ज़बरदस्ती जो है निकाले हैं मैं क्या बताऊँ, मैं एक हाथ से भी काम भी कर रही हूँ, इधर लकी मेहंदी लगा रही है और मैं अपना एक वीडियो अपलोड भी कर रही हूँ इसी मोबाइल से, तो देखा ना दोस्तों मैं कितना जो है व्यस्त रहती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो करती हूँ दोस्तों, मैं पढ़ती हूँ, मैं जब सारे काम करके खाली होती हूँ तो रात में मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ, तो जब तक मुझे नींद नहीं लगती है तब तक तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ, और नहीं जब नींद आ जाती है या मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जब काम नहीं करते हैं तभी मैं स्किप करती हूँ, नहीं तो मैं बिना आप लोग के रिप्लाई दिए मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो एक दोस्त ही एक दोस्त को समझ सकता है, मेरी समस्याएं समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस मेहंदी को लगाते लगाते तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो चलिए हम अब यहीं पर वीडियो बंद करते हैं, और आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा जो है ब्लॉग कैसा लगा, और आपको अगर इस तरह के ब्लॉग पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉग बनाते रहूँ, अपने गांव देहात के रिलेटिव अपने डेली रूटीन्स वगैरह जो है मैं शेयर करती रहूँ। और मेरा मेन मुद्दे से तो अपने खेती बाड़ी से है, बारिश हो रहा था इसलिए खेतों में नहीं गए हैं, आप खेतों में जाएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं खेतों को लेकर, तो वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो पहले तो त्यौहार मना लेते हैं रक्षाबंधन का, तो आप सभी को भी राखी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सारे भाई बहन हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल।